हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला के विधानसभा परिसर में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खुल चुकी है। पिछले हफ्ते शनिवार की रात को धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की घटना ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र के मंदिर की पुलिस सुरक्षा राम भरोसे है। धर्मशाला विधानसभा परिसर के मुख्य गेट पर ना तो सीसीटीवी था और ना ही वहां कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था। ऐसे में किसी भी शरारती तत्व के लिए विधानसभा भवन की सुरक्षा में सेन डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुरक्षा में लापरवाही की बड़ी चूक तब और अचरज में डाल देती है जब हिमाचल प्रदेश की पहली ई विधानसभा यानी पेपरलेस होने का दर्जा प्राप्त कर चुका है। साल 2006 में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए तपोवन स्थित विधानसभा भवन की सुरक्षा में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। यहाँ का जिम्मा भी मात्र 4 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के हवाले है। कांग्रेस ने इस गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर NIA जांच की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को इस मामले में सख्ती के निर्देश जारी करे। विधानसभा की सुरक्षा सरकार का दायित्व है कि वो उसको सुरक्षित रखे और ऐसे वारदात ना हो। एक विधानसभा पर जब ऐसा ये लोग कर सकते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का तांडव ये लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। उससे हमको सचेत रहना है, हमको अहम कदम उठाने, और सरकार से भी मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। दिस इज नॉट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। दे हैव गिवन दिस थ्रेट आई थिंक 1 year अर्लियर ऑल्सो, एंड उन्होंने कहा था कि हम ऐसे आके रिज मैदान में खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। उसका एजिटेशन में हमारे कांग्रेस के लोग विक्रमादित्य ने वो झंडा यात्रा निकाली थी, उसके एजिटेशन दिखाते हुए कि एक गलत बात है और इस तरीके का इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, पूरे सरकार का भी इसमें कर्तव्य है। सभी को मिलजुल कर इसके अगेंस्ट लड़ना होगा और ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम ये लोग ना उठा सके। एक और हिमाचल पुलिस प्रशासन आम लोगों और दुकानदारों से अपील करता रहता है कि वो अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना होने पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा परिसर में ही सीसीटीवी कैमरे लगाना भूल गया। तपोवन विधानसभा भवन में सरकार शीतकालीन सत्र का आयोजन हर वर्ष दिसंबर जनवरी में करती है। उस दौरान विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहती है। लेकिन विधानसभा सत्र खत्म होते ही ये सारा तामझाम भी माननीय मंत्रियों के साथ ही गायब हो जाता है। इसका नतीजा रविवार को विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर लगे खालिस्तान के झंडे लगने से देखने को मिला है। इस बीच पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने सफाई दी है कि आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और दोषी को फौरन पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विधानसभा परिसर में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला, और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले साई दिए, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास में आबादी नहीं है, और इसकी वजह से इसका मुख्य फायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? नहीं, मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं, फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सलाखों के पीछे रखते हैं। नहीं, अवश्य ये उनके जो यहाँ पे आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है, तो हम इसमें जाँच करेंगे। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार को इस मामले में दोष देना गलत है, जबकि यह प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, FIR करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। उनके खिलाफ़ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि
कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हों जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनवल लाइव के लिए योगराज शर्मा के साथ स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।